साउंड थोड़ा कम आ रहा है सर। साउंड कम आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि माइक तो पास में ही है। एक मिनट, अभी ठीक है? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, जो लिख रहा है वो सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। इसके पहले हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, अब समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। समझना, पहले जो हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, उसमें क्या हो रहा था कि अगर किसी कॉइल में करंट जा रहा है, किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फ्लक्स लिंक होता था सेम कॉइल से और वो चेंज होता था तो ईएमएफ जनरेट होता था। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास दो कॉइल होगा, एक कॉइल में करंट जाएगा, उस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा स्पेस में, ठीक है, और उस स्पेस में दूसरा वाला कॉइल को हम रखेंगे, ठीक है, और अगर उससे फ्लक्स लिंक हो रहा है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सबसे पहला चीज क्या है कि हमारे पास दो कॉइल होना चाहिए, एक कॉइल ये है और एक दूसरा कॉइल ये है, ठीक है। ये जो कॉइल है इसमें मान लेते हैं करंट दौड़ रहा है आई वन, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब समझना क्या होगा, जैसे ये जो कॉइल है इसमें से करंट अगर जाएगा, इसमें से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, आ रही बात समझ में? और जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पे अगर डायरेक्शन फॉलो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा इस तरीके से। अब इसका जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसका फील्ड लाइन इस कॉइल से भी लिंक हो रहा है, आ रही बात समझ में? इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से लिंक हो, क्लियर? तो इस करंट के चलते यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो कि इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। अगर ये लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हुआ है, ये लिंक्ड फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही फराडे ने बोला था कि अगर फ्लक्स लिंक हुआ है किसी कॉइल से अगर और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसके चलते ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, आ रही बात समझ में? तो डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम बनाए, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। हो गया? हाँ सर। हाँ लिखो, पॉइंट नंबर वन लिखना। When two coils are placed close to each other, placed closed to each other, placed close to each other, and current is passed through one of them, ब्रैकेट में लिख देना प्राइमरी कॉइल, करंट इज पास थ्रू वन ऑफ देम, ब्रैकेट में लिखना है प्राइमरी कॉइल, कॉमा, देन इट सेट्स अप मैग्नेटिक फ्लक्स, then it sets up magnetic flux with the other coil
ब्रैकेट में लिखना है सेकेंडरी कॉइल, उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखना, दिस फ्लक्स लिंक्ड टू सेकेंडरी कॉइल, दिस फ्लक्स लिंक्ड टू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस फ्लक्स लिंक्ड टू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through primary coil। समझना इसका मतलब क्या है? देखो, अगर इसमें करंट जाएगा तो इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये जो करंट है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ करा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ लिंक हुआ, ठीक है ना। और इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वो किसके चलते आया? इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते, और ये मैग्नेटिक फील्ड आई वन के चलते आया। यानी यहाँ जो भी फ्लक्स आ रहा है फाई टू, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। आ रही बात समझ में? मतलब उसके नीचे लिखना है दैट इज फाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। यहां से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, टू का मतलब है सेकेंडरी के लिए बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा? प्राइमरी कॉइल के करंट पे। तो दैट इज फाइ टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां लिख सकते हो फाइ टू इज इक्वल टू एम आई वन। फाइ टू किसके बराबर होगा? एम आई वन के बराबर होगा, ठीक है। वेयर, नीचे लिखना वेयर, वेयर एम इज नोन एज, वेयर एम इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर एम इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा दो कॉइल का होता है, ठीक है, कम से कम दो कॉइल होना चाहिए तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। एक कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा, लेकिन पहले थर्ड पॉइंट लिखना। When current in primary coil changes with time, flux linked to secondary coil. Flux linked to secondary coil also changes, which leads to generation of induced EMF. In secondary coil, ठीक है। करंट वन में चेंज हो रहा है और ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां प्रोड्यूस हो रहा है? दूसरे वाले में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज गिवन एज E2 equals to -d phi 2 divided by dt। E2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? -d phi by
डी फाई टू बाई डी टी, फाई टू से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई टू में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वही टू प्रोड्यूस करता है, लेकिन फाई टू जो है वो क्या है, एम आई वन डिवाइडेड बाई डी टी है। अगर एम कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है तो हम एम को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से ई टू जो आएगा डेट विल बी माइनस एम डी आई वन डिवाइडेड बाई डी टी। एग्जैक्टली सेम टू सेम है सेल्फ इंडक्टेंस के, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस में जिसका करंट होता था उसी में ई एम एफ प्रोड्यूस होता था और यहाँ एल आर जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है ना, आवाज क्लियर है? यस सर। लिख लिया हो ये? यस सर। ये कहाँ से आया, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, E equals to minus M di by dt, ये कहाँ से आ रहा है, इधर से, और इसको क्या बोलते हैं, फराडेज लॉ। ठीक है ना, इसको याद रखना, इसको फराडेज लॉ बोलते हैं, ये सब बता। ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके बारे में कुछ कुछ बात करते हैं। इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वन कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, फिर उसके बाद बाकी सारी प्रॉपर्टी जैसे इसका यूनिट क्या होगा या फिर ये किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा वो सारी चीजें देख। म्यूचुअल इंडक्टेंस में पहला पॉइंट लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है किसका प्रॉपर्टी है, दो कॉइल का, एक कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता। प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्चू ऑफ विच वन कॉइल अपोजेस, वन कॉइल अपोजेस चेंज इन करंट इन अनदर कॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते एक कॉइल दूसरे कॉइल में जो करंट है, ठीक है, दूसरे कॉइल के करंट के चेंज को अपोज करता है। ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था, खुद के करंट के चेंज को अपोज करता था, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा कॉइल किसी और के करंट में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, और उसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या करंट फ्लो करवाना होता है, और उस करंट को फ्लो करवाने के लिए ईएमएफ चाहिए। ठीक है, दूसरा यूनिट बताओ इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेम यूनिट, जो जो यूनिट हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए वो सारे यूनिट होंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी, यानी हेनरी तुम्हारा एक यूनिट है। ठीक है, हेनरी किसके लिए, वो ऑनर में दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम है, या फिर तीन यूनिट बताए थे तुमको, सबसे बढ़िया वाला एक ओम सेकेंड होता है ये फेमस वाला, या फिर वेबर पर एम्पियर, ये भी एक यूनिट है, एनर्जी वाले टर्म से भी निकाल सकते हो, वहां से जो यूनिट आता है वो क्या होता है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। अगर एनर्जी से निकालने की कोशिश करोगे, एनर्जी से कैसे निकालेंगे, जैसे हमने वहां पे लिखा था ना यू इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी से अगर एल का यूनिट निकाल ले तो क्या हो जाएगा, जूल एम्पियर स्क्वायर, वो भी हो सकता है। और जो भी तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सेल्फ इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट लिखोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन
दो ऐसे पॉइंट बताओ जिस पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता, दो चीजों पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता था, उन दो पर भी ये डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, और दूसरा क्या था, मीडियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड भी होता है, थर्ड है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ऑफ क्वाइल्स, क्वाइल्स कैसे अरेंज किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सब कुछ सेम रखो, सेम साइज मीडियम सब कुछ सेम रखो, अगर अरेंजमेंट चेंज करोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो कॉइल है, दो कॉइल का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, और उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फोर्थ पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस चीजों से इंडिपेंडेंट होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर ईएमएफ एंड फ्लक्स, फ्लक्स पे करंट पे या ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक पॉइंट लिखेंगे, इफ L1 एंड L2 आर सेल्फ इंडक्टेंस, ऑफ टू क्वाइल्स, देन देयर म्यूचुअल इंडक्शन, देन देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन एज एम इक्वल्स टू के रूट ओवर L1 into L2। अगर दो कॉइल है तुम्हारे पास, ठीक है, उन दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता, ठीक है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस अगर गिवन है दो कॉइल का और बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज कर, एम इक्वल्स टू के रूट ओवर L1 into L2। यहाँ पे के क्या है, किसी को पता है के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं कपलिंग कॉन्स, ये को क्या बोलेंगे, कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग कोएफिशिएंट, वेयर के इज व्हाट, कपलिंग कोएफिशिएंट। और ये जो कपलिंग कोएफिशिएंट है ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे, इसलिए जब अरेंजमेंट चेंज होता है तो एम की अलग अलग वैल्यू आती है, और इसका जो वैल्यू है के वो 1 से लेकर 0 तक वेरी करता है, के 1 से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, तो ये के का रेंज है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि के किस तरीके से वैरी करता है, कैसे अरेंजमेंट चेंज होगा तो के वैरी करेगा। ये कॉइल है, हेलो सर, इरेज मत कीजिए। अच्छा, इरेज नहीं करें, तो आप तो कर चुके हैं, ये जो भी है शायद इसका नेटवर्क बेकार है। मेरा आवाज बाकी लोग क्लियर आ रहा है? यस सर। चलो ये समझते हैं, दो कॉइल का अरेंजमेंट समझते हैं। जैसे ये एक कॉइल रखा हुआ है और एक दूसरा कॉइल रखा गया कुछ इस तरीके, दो कॉइल का अरेंजमेंट है ऐसा कुछ रखा हुआ, ठीक है, मतलब एक कॉइल इस प्लेन में है ऐसे, दूसरा कॉइल ऐसे रखा हुआ, ठीक है, और दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ठीक। तो इस अरेंजमेंट में जो के का वैल्यू होगा वो 0 होगा। ये जो अरेंजमेंट रखा हुआ है ध्यान से समझ लो क्या है, एक कॉइल ऐसे है
मतलब अगर एक सर्कल होता तो इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और एक दूसरा सर्कुलर कॉइल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अगर ऐसा अरेंजमेंट बनाओगे तो इससे करंट दौड़ा लो, इस करंट के चलते यहाँ पे ये जो कॉइल है इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, ठीक है, या कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इस अरेंजमेंट में जिसमें कॉइल एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता। अरे बात समझ में, तो इंडक्शन नहीं होगा, फिर के की वैल्यू जीरो होती है, क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये दो कॉइल अगर ऐसे रखे हुए हैं, तो यहाँ के का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा और वन से छोटा हो। अगर एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल यह है, तो वन और टू, देखो ये वन से छोटा और जीरो से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा ना, यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका कुछ ना कुछ पोर्शन इससे लिंक होगा, ठीक है। जो भी फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होगा, इससे लिंक होगा। तो अगर कुछ पोर्शन लिंक हो रहा है, यानी वैल्यू केक की जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ दूसरा सिचुएशन ये है कि यहाँ पार्शियली फ्लक्स लिंक हो रहा है, मतलब जितना फ्लक्स ये प्रोड्यूस कर रहा है सबका सब इससे लिंक नहीं हो रहा, इसलिए जो k की वैल्यू वन से छोटी होगी लेकिन जीरो से बड़ी होगी, यानी जैसे 0.2 हो सकता है, 0.3, 0.5 या अप टू 0.9 हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना फ्लक्स से लिंक हो। आ रही बात समझ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये k डिपेंड करता है। एक और सिचुएशन है कि मान लो हमने क्या करा, एक कॉइल ऐसे रखा था और एक दूसरा कॉइल इसी में ऐसे बाउंड करके रख दी, ये एक तरीके से आइडियल सिचुएशन है। ये कॉइल वन था, ये कॉइल टू था, ठीक है। जैसे ये पेन है मेरा, पेन के ऊपर मैंने एक कॉइल लगाया और एक दूसरा कॉइल इसी पेन के ऊपर लगा दी, और किसी एक कॉइल से करंट दौड़ा रहा हूं, तो उसका टोटल का टोटल फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक हो जाता है। अगर वन में करंट दौड़ा रहा हूं, इसका सारा जो करंट है वो किससे लिंक हो जाएगा, टू से लिंक हो जाएगा। इस केस में के का जो वैल्यू होता है वो वन होता है, इसको आइडियल सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। सारी बात समझ में, इस अरेंजमेंट में के जीरो है, इस अरेंजमेंट में के की कुछ वैल्यू है, जीरो से बड़ी वन से छोटा। ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एक ही कॉइल, एक कॉइल और दूसरा कॉइल एक दूसरे के ऊपर बाउंड करके रखा हुआ है, और ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसे केस के लिए तो के का वैल्यू वन आ रहा है। तो अगर तुमको इसका वैल्यू पता है सेल्फ इंडक्टेंस का, इसका वैल्यू पता है सेल्फ इंडक्टेंस का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, रूट लोगे, वहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेल्फ इंडक्टेंस दिया है तो, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ या बाकी सारी चीजें देखेंगे, वो पढ़ेंगे आगे। डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। हटा दे, एक लास्ट पॉइंट लिखना, जो भी नंबर है तो नंबर शायद नंबर फिफ्थ है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग m इक्वल्स टू m12 इक्वल्स टू m21, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहां से सवाल आता है, M जो है वो M21 या फिर M12 वैल्यू बराबर होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास दो कॉइल है, ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, ठीक है, ये वन और ये टू, देखो इसमें करंट दौड़ाओगे यहाँ पे EMF जनरेट होगा, इसमें करंट दौड़ाओगे अगर ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे EMF जनरेट होगा E2। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो कि अगर इसमें करंट दौड़ाओगे तो इसमें EMF जनरेट होगा E1। आ रही बात समझ में, तो अगर E2 लिख रहे हो तो E2 क्या लिखोगे, E2 लिखोगे माइनस M12 di1/dt। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देख रहे हैं। इसका क्या कहने का मतलब है, 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देख रहे हैं, तो इसलिए E2 की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, माइनस M12, ठीक है। करंट 1 में दौड़ाए थे और 2 में EMF देख रहे हैं,
वहां से जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, E2 इक्वल्स टू माइनस एम वन टू डी आई वन बाई डी। ठीक, दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर इसमें करंट दौड़ा रहा है और ये करंट चेंज होगा तो इसके साथ फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, और जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा ई वन माइनस एम टू वन डी आई टू बाई डी। ठीक है, अब समझना यहाँ पे क्या है। देखो ये जो वैल्यू है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो भी वैल्यू आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये किसी के रिलेटिव पे डिपेंड नहीं करता, मतलब किस कॉइल में करंट दौड़ रहा है, किस पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, किस अगर इस कॉइल में करंट दौड़ रहा है तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है। अगर इस कॉइल में करंट दौड़ रहा है इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे केस में क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, मतलब इस लेवल पे ये एम वन टू जो इसके रेस्पेक्ट में देख रहा है और एम टू वन जो इसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, ये अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में? मतलब इसको लिखने से बढ़िया है हटा दो, इसको भी लिखने से बढ़िया है हटा दो, किसी भी कॉइल में करंट दौड़ाओ, दूसरे वाले में देखो इंडक्टेंस, जो भी इंडक्टेंस आ रहा है वो वैल्यू सेम होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो किसी के रिस्पेक्ट में देखो वो सेम होगा। क्लियर है? और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो सवाल आता है उसमें थोड़ा सा हम चेंज नहीं करेंगे तो गलती हो जाता है, एग्जाम में जो सवाल पूछता है उसको मॉडिफाई करके सॉल्व करना होता है, और अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व नहीं करोगे तो जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, तो उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट तुम्हारा हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको हम सॉल्व करेंगे या इसको पढ़ेंगे, जो भी हेडिंग है इसको एक प्रॉब्लम के हेल्प से। देखना, टू कॉइल्स ऑफ रेडियस आर एंड स्मॉल आर two coils of radius r and small r are placed as shown in figure, are placed as shown in figure, then find their mutual inductance, then find their mutual inductance। ये लिख लो या डायग्राम इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये कॉइल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और एक दूसरा कॉइल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। ये दोनों ऐसे प्लेस करके रखा हुआ है, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ तक? Yes, sir. अब समझते हैं, अगर दो कॉइल दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी ले सकते हो, मान लो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन वन है और इसका नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन टू है, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स दिया। देख लियो तो बोलना, मिटाएंगे, सॉल्व करेंगे। मिटा दे? Yes. और इस टाइप के सवाल आते हैं नीट में, दो कॉइल दे देगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। मॉड्यूल में एक प्रीवियस ईयर का ऐसा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। अब देखो, जो हमारा कॉइल था, एक कॉइल बहुत ही लार्ज है, एक कॉइल बहुत ही छोटा है, आर और ये कैपिटल आर, इसमें एन वन इसमें एन टू।
ये दो चीजें तुमको दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है ना, इसको जो भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, करंट मेथड से निकालते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस भी ऐसे ही निकाले थे करंट मेथड से। और करंट मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, करंट मेथड का पहला स्टेप होता है कि अपने मन से कॉइल में करंट दौड़ा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या करा था, सेल्फ इंडक्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे थे, एक हमारे पास कॉइल था, इसमें हमने क्या करा, अपने मन से करंट मान लिया कि करंट क्या हो रहा है, I चल रहा है। और फिर हमने क्या करा था, इक्वेशन लाया था जिसको इससे कंपेयर करा था, फाइव प्लस टू एल एच। सेम काम यहाँ भी करेंगे कि किसी भी एक कॉइल में करंट मान लेंगे और उस करंट के चलते फ्लक्स निकालेंगे फाइव, और फाइव को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फाइव इक्वल्स टू एम आई से, ठीक है। और जो भी आई का कोफिशियंट होगा वो एम के बराबर होगा। सिमिलर जो प्रोसेस इधर फॉलो कर रहे थे वही प्रोसेस इधर भी फॉलो करेंगे, और इसको बोलते हैं करंट मेथड, क्योंकि हम अपने मन से करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट दिया नहीं है, हमें पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, ना कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो पूछ रहा है। जब ईएमएफ प्रोड्यूस पूछेगा तब हमें करंट चाहिए, ईएमएफ पूछ नहीं रहा है तो करंट की जरूरत नहीं है। एम निकालना है इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, ये सवाल में दिया रहेगा। तो करंट मेथड में हमारा पहला काम क्या होता है कि हम अपने मन से करंट फ्लो करवाते हैं और बाद में इससे कंपेयर करके जो भी कोफिशिएंट होता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, अब उसी जो मैंने चीज बताया था कि ये एम वन टू और एम टू वन एम के बराबर है, इसका यूज होता है इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके कहने का मतलब है कि मान लो ये कॉइल वन है और ये कॉइल टू है, तो तुमने कैलकुलेट करा वन के रेस्पेक्ट में टू का या टू के रेस्पेक्ट में वन का, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर ऐसा सवाल दिया रहता है ना, तो हमेशा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो करंट मानते हैं हम वो इनसाइड वाले के लिए मानते, ठीक है। आज की बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो करंट का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसमें भी करंट दौड़ा सकते हो, करंट क्या दौड़ा सकते हो, ऊपर जो लार्ज वाला है इसमें भी दौड़ा के तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसमें भी करंट दौड़ा करके कैलकुलेट कर। तुम्हें चाहिए क्या, किसी भी एक कॉइल में करंट दौड़ाते हैं उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन फाइव इक्वल्स टू एम आई से, हमारा काम बन जाता है। लेकिन अब डिसाइड करना होता है ऐसे सवाल में कि करंट इससे दौड़ा है या फिर इनसाइड वाले कॉइल से दौड़ा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्योंकि तुम करंट इससे दौड़ा करके कैलकुलेट करो या फिर इससे दौड़ा करके कैलकुलेट करो, उसने बोला क्या था कि M12 और M21 का वैल्यू सेम है। सारी बात समझ में, ठीक। अब देखो जब भी ऐसा कोई सवाल दिखेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें कि करंट इनसाइड में दौड़ा है या आउटसाइड में दौड़ा है, ध्यान से सुनना। जब भी हम करंट इनसाइड वाले से दौड़ाते हैं, जब भी करंट इनसाइड वाले से दौड़ाते हैं तो एरर ज्यादा होता है, मतलब जो आंसर आएगा अगर इनसाइड वाले से तुमने करंट दौड़ाया तो एरर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। कुछ वैल्यू आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें एरर होगा, यानी जो भी एम का वैल्यू यहाँ आएगा वो गलत होगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है कि करंट हम हमेशा एक्सटर्नल वाले से दौड़ाते हैं। पहले मैंने उल्टा बोला था क्योंकि ध्यान में रहे, पहले मैंने क्या बोला था कि करंट इनसाइड वाले से दौड़ाएंगे, नहीं, करंट हमेशा हम कहाँ से दौड़ाते हैं, आउटसाइड वाले। आउटसाइड वाले से दौड़ाओगे ना तो इस सेंटर पे आराम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, आउटसाइड वाले के चलते इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, और इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस रीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, जो छोटा वाला रीजन है उस रीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब इस रीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो उसी को मान लेंगे कि जो बी का वैल्यू होगा इस सेंटर पे वही इस पूरे रीजन में, और फिर उसके चलते फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्लक्स को कंपेयर करेंगे। अगर किसी ने अंदर वाले को ले लिया रहता, अंदर वाले को क्या करता, करंट दौड़ा देता। अब अंदर वाले के साथ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे अंदर वाले के चलते, तो इस पॉइंट पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड आया वो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ये बाहर का जो रीजन है बाहर वाले रीजन के लिए एरर आ, क्योंकि बाहर वाले रीजन के लिए तुमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है। आ रही बात समझ में। तो सवाल में क्या होता है ना, जानबूझ करके कोई भी सवाल अगर इस टाइप का तुमसे पूछ रहा है तो वो सवाल में जानबूझ करके करंट इनसाइड वाले से दे देता है, जानबूझ के करंट किस में दे देगा, इनसाइड वाले से दौड़ा देगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं,
इन साइड वाले से ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करके फिर सॉल्व करते हैं, गलत आंसर आ जाता है। तो अगर करंट इन साइड से भी दिया हुआ है उनको सॉल्व किससे करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है बाहर वाले के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास ये अजम्पशन है इन साइड से निकालू या आउटसाइड से निकालू हम एम को सेम मानते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर वो गलती करवाने के लिए जानबूझ करके डायग्राम में करंट इन साइड से दे देगा, उससे गलत होता है। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे आउटसाइड वाले से सॉल्व करेंगे, उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस रीजन में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने एक चीज लिखा था आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ये उस सवाल में भी दिया रहेगा। देखोगे प्रीवियस ईयर नीट का सवाल, उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो भी काम है हम क्या करेंगे, इसका स्टेप वन फॉलो करेंगे, जो भी कॉइल था हमारा दो कॉइल, उसके बाहर वाले कॉइल से करंट दौड़ा देंगे आई, इसको मैं आई वन बोल रही हूँ क्योंकि इसको प्राइमरी मान लें, और इसमें एन टू था, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। तो अगर इसमें करंट आई दौड़ाओगे, आई वन दौड़ाओगे, तो बड़े वाले कॉइल के चलते सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, बी एट ओ, ओ को मैं सेंटर बोल रही हूँ, कितना होगा बताओ, दैट विल बी म्यू नॉट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है एन वन, म्यू नॉट एन वन आई वन डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, ठीक है। तो टू आर, आ रही बात समझ में, सेंटर पे जो वैल्यू होगा, सेंटर पे जो वैल्यू होगा कितना होगा, म्यू नॉट एन वन आई वन डिवाइडेड बाई टू आर, क्लियर। अब हमने क्या माना है, अजम्पशन क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ऑलमोस्ट इस रीजन में, इस रीजन कहने का मतलब ये स्मॉलर जो कॉइल है वो कॉइल जितना एरिया कवर कर रहा है उस एरिया पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो फ्लक्स निकाल सकते हो, तो फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो वो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी डेट विल बी हाउ मच, बी नॉट इन टू ए, ठीक है। अगेन ए जो एंगल है उसके बारे में मैंने बताया कि एंगल जो यहाँ होगा या तो जीरो होगा या तो 180 होगा, और जीरो और 180 दोनों का मैग्नीट्यूड देखो वो वन होता है। बी नॉट ए होगा, बी नॉट की वैल्यू कितना होगा, लिखा हुआ है म्यू नॉट एन वन आई वन डिवाइडेड बाई टू आर। एरिया कितना होगा, एरिया किसका लेंगे, ध्यान से सुनो, एरिया छोटे वाले का लेंगे क्योंकि इसके थ्रू फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो एरिया कितना लोगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आया एक कॉइल से, एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हुआ वो इतना हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कॉइल नहीं है, यहाँ कितने कॉइल है, एन टू टर्न्स है, यहाँ कितने टर्न्स है, एन टू टर्न्स है, ये एक टर्न है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो फ्लक्स लिंक टू वन टर्न, वन टर्न भी लिखोगे सेम चीज। तो एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे, सो टोटल फ्लक्स कैसे आ जाएगा, देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विथ, फ्लक्स लिंक्ड विथ एन टू टर्न्स कितना होगा, फाइव टू, फाइव टू विल बी हाउ मच, जो भी वैल्यू है म्यू नॉट एन वन आई वन डिवाइडेड बाई टू आर पाई आर स्क्वायर, इसमें एन टू से मल्टीप्लाई कर, तो यहां से फाइव टू आएगा, देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विथ एन टू टर्न्स, एक टर्न से हमने पहले कैलकुलेट किया, ये एक टर्न के साथ है और ये एन टू टर्न के साथ है, तो एन टू से मल्टीप्लाई कर, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है इसको थोड़ा सा अरेंज करके कंपेयर करना, जो भी हमारा इक्वेशन है तो इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो फाइव टू कितना हो जाएगा, फाइव टू विल बी म्यू नॉट एन वन एन टू और पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर इंटू आई वन, ठीक है। अब
अभी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि अगर कॉइल वन को लेकर के करते तो कितना आंसर आता। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ फाई टू इक्वल्स टू एम आई वन। अगर इससे कंपेयर करोगे तो m की जगह पे क्या है, ये पूरा टर्म m इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन या म्यू नॉट पाई, पहले तो पाई एन वन एन टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो दो क्वाइल, दो सर्कुलर क्वाइल जो गिवन अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर रखा होगा यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हो गया, हटा दे। चलो समझते हैं, अगर छोटे वाले कॉइल से कैलकुलेट करते ना, एम का जो वैल्यू आता है लिखना नहीं है, बस समझ लो। छोटे वाले कॉइल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो एम का वैल्यू कुछ इस तरीके का था, पाई एन वन एन टू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ऐसा कुछ आता। ठीक है, अगर छोटे वाले कॉइल से कैलकुलेट करते, छोटे वाले कॉइल में करंट दौड़ा करके कैलकुलेट करते तो इतना आंसर आता। और ये आंसर ऑप्शन में होगा, लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि जो भी छोटा वाला कॉइल होगा उसके लिए इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो हमें पता है। ठीक है, इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता है, कॉइल के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें नहीं पता है। और उसको हम काउंट कर ले रहे हैं, क्योंकि जब एरिया कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए तो बड़े कॉइल से ये पूरा फ्लक्स आएगा, पूरा एरिया लेना पड़ेगा, लेकिन तुमको मैग्नेटिक फील्ड बस इतना ही का पता। ठीक है, इसलिए एरर होता है, गलती होता है, ये जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नीचे वाला है। और नीचे वाला कैसे सॉल्व करें वो दिमाग में बिठा लेना है कि हमेशा एक्सटर्नल कॉइल से करेंट दौड़ाएंगे और एक्सटर्नल कॉइल के चलते जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता करेंगे, फिर वहां से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर ये सारे काम करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। हमारे जो नीट था उसमें कुछ इस तरीके का सवाल दिया था, एग्जांपल नंबर टू है ये कि एक कॉइल है बड़ा सा, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक स्क्वायर कॉइल रखा हुआ था। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ था कैपिटल आर, इसका साइड दिया हुआ था ए, और अजम्पशन में लिखा हुआ था कि ए जो है वो बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से। और जानबूझ करके उन्होंने क्या करा था, इधर से करंट दौड़ा दिया था आई। ठीक है, और पूछ रहा था इस अरेंजमेंट के लिए बताओ कि इस अरेंजमेंट के लिए बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे थे ना इसके चलते कैलकुलेट कर रहे थे, फिर गलत हो गया, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम भी है। अगर फॉर्मूला नहीं रटे हो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम भी लगेगा, टाइम टेकिंग भी है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे आंसर जो आएगा वो गलत होगा। तो इसलिए करंट याद दिया हुआ है, उसको भूल जाएंगे, हम क्या मान लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते टाइम कि करंट बाहर वाले से दौड़ रहा है, उस बाहर वाले के चलते यहाँ पे फ्लक्स फील्ड निकालेंगे, उस फील्ड से इस छोटे वाले कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। क्लियर है, मॉड्यूल में है, सवाल करना, ट्राई करना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है वो बहुत ही सिंपल है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, कैसे काम करता है समझते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा होगा तो पक्का है कि दो कॉइल होना है। कोई भी डिवाइस अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब है दो कॉइल होगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ऐसा कोर होता है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर कोर होता है, और ये जो कोर है इसके दो आर्म है, एक इधर और एक इधर। ये जो आर्म है, इस आर्म पे हम कॉइल ऐसे वाउंड करके रखते, और एक दूसरा कॉइल इधर वाउंड करके रखते हैं। इधर अगर इधर से करंट जा रहा है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलना, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और ये जो फ्रेम है इसको कोर बोलते हैं। कोर का दो काम होता है, एक तो ये सपोर्ट करता है, जो भी प्राइमरी कॉइल है उसके ऊपर आराम से ऐसे वाउंड करके रख सकते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। एक और इसका काम, आप समझते हैं क्या हो रहा है। देखो अगर इसमें करंट दौड़ा हो गया, यहाँ पे अगर करंट दौड़ा रहे हो, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें कुछ अगर आउटपुट अप्लाई करोगे इधर, VO, VO आउटपुट है, इधर आउटपुट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर से करंट दौड़ना शुरू होगा, करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और इस ईएमएफ को हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लगा दे तो ये ईएमएफ इजीली यूज हो सकता है, यानी इस वायर और इस वायर का कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, ये जो दोनों कॉइल है इनका कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं वहां से हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और इस आउटपुट वोल्टेज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरूरत की होता है, या तो वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं या तो वोल्टेज घटा सकते हैं, वो बाद में देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो भी यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, जो भी यहाँ से फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स जाकर के इससे लिंक होता है। अब देखो अगर ये कोर नहीं होता, ये जो कोर है, ये कोर अगर नहीं होता तो इसका जो फ्लक्स दिखता वो ऐसे बाहर की तरफ कुछ दिखता, तो इससे फ्लक्स कुछ लिंक ही नहीं होता, क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा वो इससे लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इससे फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है, इतना भी इसमें करंट चेंज कर लो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके चलते क्या होता है, हम एक आयरन कोर यूज करते हैं। ये जो आयरन कोर है ना, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो फ्लक्स है ना इसको मॉडिफाई कर देता है, फ्लक्स का जो पाथ है उसको मॉडिफाई कर देता है, वो अंदर अंदर ऐसे दौड़ के इधर से पास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स आयरन का बना होता है, और तुमने पढ़ा होगा अगर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सारी चीजें, तो ये क्या करता है, मैग्नेटाइज होकर के जो फ्लक्स है उसका पाथ चेंज कर देता है। आ रही बात समझ में। तो ये कोर जो है ये फ्लक्स लीकेज को कम करता है, फ्लक्स लीकेज को कम करेगा, या फिर उसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि कपलिंग कांस्टेंट, जो कपलिंग कोफिशिएंट हमने पढ़ा था उसको इंक्रीज करता है। इधर से जो भी फ्लक्स है वो जाकर के यहाँ से लिंक हो गया, और अगर फ्लक्स लिंक हुआ तब फिर चेंज होगा, उसके चलते यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कोर का दो काम होता है, एक तो वो सपोर्ट करेगा कॉइल को, साथ ही साथ फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, या कपलिंग को बढ़ाता है। क्लियर है, आप समझना। यहाँ पे करंट के चलते अगर I1 करंट इसमें जा रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा I2। ठीक है, अब ये जो करंट है इसको चेंज करोगे, ये जो करंट चेंज है चेंज करोगे तो ये फ्लक्स चेंज होगा, जो कि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा है कि अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो ये I2 चेंज होगा, और उसके चलते इसमें ईएमएफ जनरेट होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब समझना यहाँ पे होता क्या है कि अगर यहाँ पे तुमने डीसी कनेक्ट करके रखा हुआ है, डीसी करंट अगर यहाँ पे दौड़ रहा है तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा,
ठीक है ना, अगर कांस्टेंट करंट है, स्टेडी करंट है, तो I1 कांस्टेंट रहेगा, तो अगर I1 कांस्टेंट है तो I2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसके चलते EMF जनरेट ही नहीं होगा। EMF जनरेट होने के लिए I2 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, मतलब ये जो भी ट्रांसफॉर्मर है ये बस अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, कभी भी बैटरी के साथ हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं। ट्रांसफार्मर कब लगाते हैं? जब हमें AC करंट होता है, ठीक है, AC करंट में जब हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है तब हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि AC करंट में करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, उससे चलते ये फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे EMF जनरेट होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो कहाँ दिखता है? ट्रांसफार्मर में दिखता है। अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना जल्दी से, अगर कर चुके हो तो नेक्स्ट। हटा देना इसको। यस सर। अब हमें जो ट्रांसफार्मर पढ़ना है वो हम दो टाइप का ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, एक आइडियल ट्रांसफार्मर, ऐसे साइड बाय साइड टेबल बना करके देखोगे, और एक रियल ट्रांसफार्मर। आइडियल और रियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है और रियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। देखो जैसे नाम ही है आइडियल, तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? कोई लॉस नहीं होगा, मतलब जो पावर हम इनपुट देंगे उतना ही पावर ट्रांसफार्मर हमें सप्लाई कर देगा, ठीक है ना। जितना पावर हमने ट्रांसफार्मर के दिया उतना पूरा का पूरा क्या करेगा, ट्रांसफार्मर हमें वापस दे देगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मतलब इस ट्रांसफार्मर में नो लॉसेस टेक्स प्लेस। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लॉस होगा, लॉसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का एक सबसे बेस चीज है जो पॉइंट टू में लिखेंगे, ये एक्चुअली क्या बताता है कि जो भी तुम्हारा V1 बाई V2 है, V1 बाई V2 वो बराबर होगा N1 बाई N2। V1 बाई V2 कहने का मतलब है प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी के अक्रॉस है, ये बराबर होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स N1 मतलब प्राइमरी के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और N2 सेकेंडरी के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है। ये रेशियो ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है, ठीक है, कि V1 बाई V2 विल बी इक्वल टू N1 बाई N2। और ये सेम चीज इधर भी होता, V1 बाई V2 बराबर होगा N1 बाई N2 के। नेक्स्ट थर्ड, इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, पावर जो होगा, पावर पी दैट विल बी कांस्टेंट, मतलब VI या V1 I1 बराबर होगा V2 I2 के। पावर जो है वो कांस्टेंट है, अगर लॉसेस नहीं हो रही है तो जो पावर प्राइमरी कॉइल में होगा वही पावर सेकेंडरी कॉइल में भी, और पावर का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज प्राइमरी करंट का, प्राइमरी कॉइल का, करंट प्राइमरी कॉइल का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर मिल जाएगा, और ये किसका पावर है, सेकेंडरी का। ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि लॉसेस नहीं हो, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो एक फॉर्म बनता है जिसमें V1 बाई V2 बराबर होता है N1 बाई N2 बराबर होता है I2 बाई I1। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, कोई भी अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें V1 बाई V2 का रेशियो, V1 बाई V2 का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स पे N1 बाई N2 के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू I2 बाई I1। नंबर ऑफ टर्न्स
करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखें। तो आइडियल में ये सिचुएशन है, लेकिन जैसे ही रियल में जाओगे तो रियल में थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है कि यहाँ पे जो इनपुट पावर है टी इन जो है वो वही रिलेशन तो वही होगा कि V1 I1 ये इनपुट है, आउटपुट जो है V2 I2, बट टी इनपुट और टी आउटपुट बराबर नहीं होता, टी इनपुट और टी आउटपुट बराबर नहीं होता है। यहाँ पे टी आउटपुट जो होगा दैट विल बी इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इनटू टी इनपुट। आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। कोई भी एफिशिएंसी अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर आउटपुट निकालना है, एफिशिएंसी गिवन है, तो इनपुट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टी इनपुट। क्लियर है? और एफिशिएंसी परसेंटेज में जनरली दिया रहता है, इसलिए यह 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो देगा वो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है 100 से डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सिंपली फ्रैक्शन रख दें। फ्रैक्शन जैसे 0.5 दे सकता है, 0.8 दे सकता है, और अगर परसेंटेज में देगा तो 50% 80% ऐसा कुछ देगा। और परसेंटेज में हमेशा हम 100 से डिवाइड कर। तो रियल के लिए ही क्या होगा, दैट इज इसमें लिख सकते हो, दैट इज V2 I2 is equal to efficiency by 100 V1 I1। और रियल के केस में ये रिलेशन होता, ये आउटपुट, ये इनपुट और ये efficiency, इसको बोलते हैं efficiency of transformer। और यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो मैंने आइडियल के लिए बताया था, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, यानी जो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है डी, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। V1 by V2 बराबर होगा N1 by N2 के, इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन जब हम करेंट के लिए लिखेंगे तो करेंट विल बी एफिशियंसी डिवाइडेड बाई 100 इंटू I2 by I1। ये यूज करते हैं रियल ट्रांसफार्मर के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, बस यह इफिशियंसी वाला टर्म करंट के साथ आ गया, मतलब जब भी करंट वाला टर्म लिखेंगे तो उसको इफिशियंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इफिशियंसी के साथ लिखेंगे। और इफिशियंसी अगेन परसेंटेज में है तो नीचे 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, हटा दे। Types of transformer, इसमें पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहने का मतलब होता है कि जो हमारा इनपुट है उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू घट गई। ठीक है, जो भी जैसे हमारा जो कर वायर जो जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर है उसके दो एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सी कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है, 220 वोल्ट हमें सप्लाई मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का,
एक्चुअली ये आता कैसे है, ये आता है 11,000 वोल्ट, 11 केवी से आता है, ठीक है। मतलब पहले जो भी ग्रिड से वायर आ रहा है उसके दो वायर के बीच में अगर वोल्टेज देखोगे तो 11 केवी होगा, ठीक है। उसको स्टेप डाउन करके हम 220 वोल्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब 11,000 वोल्ट को हमने क्या करा है, चेंज करा है किसमें, 220 वोल्ट में। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन बोलेंगे, स्टेप डाउन वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन करते कैसे, स्टेप डाउन करने के लिए तुमने अभी जस्ट रिलेशन देखा कि हमारे पास एक रिलेशन था कि या पहले इसके नीचे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहने का मतलब है V2 इज लेस देन V1। V2 क्या होगा, V1 से छोटा होगा। तो अगर ऐसा अगर हो रहा है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए अगर रिलेशन देखोगे V1 बाई V2 बराबर किसके होता है, N1 बाई N2 को, ठीक है। तो अगर V2 को छोटा करना है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, N2 इज लेस देन N1। बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे, अगर वोल्टेज को डाउन करना है, वोल्टेज को डाउन करना है तो अगर प्राइमरी में 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 10, 10 गुना से अगर डिक्रीज करना है तुमको तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना कर देंगे, 1, वोल्टेज अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास कौन सा है, V1 by V2 is equal to N1 by N2, ठीक है। यही रिलेशन सब कुछ बता देगा कि कब स्टेप डाउन होगा, कब स्टेप डाउन होगा, कब स्टेप अप होगा। इस रिलेशन से हमें पता चल जाता है तो क्या करना है, अगर स्टेप डाउन करना है तो मान लो अगर N1 10 है, स्टेप डाउन करोगे तो N2 की वैल्यू इस 10 से कम होगी। अब कितने से करना है वो तुम्हारे हाथ में है। 10 से करना है तो N1 N2 कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, वो इजली 10 गुना से डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ट्रांसफार्मर एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिसका कंस्ट्रक्शन ही बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। और कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे हम डिसाइड करते हैं कि स्टेप अप करना है या स्टेप, क्लियर। अब समझते हैं नंबर 2, टाइप बी क्या बोलता है। टाइप बी जो है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में ये चेंज हो जाएगा, V2 will be greater than V1, और यहां से अगर देखोगे तो N2 will be greater than N1। N2 का जो वैल्यू है वो N1 से ज्यादा होगा। अगर स्टेप अप करना है तो जो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंक्रीज कर देंगे, स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिक्रीज कर देंगे। बस काम बन गया, स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पे एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, समझदार ध्यान से, अगर तुम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो जो करंट है ना वो डिक्रीज होगा। वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब स्टेप अप कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो करंट होगा V2 को इंक्रीज करोगे तो I2 डिक्रीज होगा। क्यों, रिलेशन के अकॉर्डिंग V1 बाई V2 किसके बराबर है, I2 बाई I1 के बराबर, ठीक है ना। जो भी करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो इनवर्स है। तो कभी भी कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है जिसमें हम वोल्टेज भी इंक्रीज कर दे आउटपुट में और करंट भी इंक्रीज कर दे आउटपुट में। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, मतलब स्टेप अप करोगे, तो पक्का जो करंट है सेकेंडरी कॉइल का वो डिक्रीज होगा। मतलब दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर करंट स्टेप अप करोगे तो वोल्टेज स्टेप डाउन होगा, और अगर वोल्टेज स्टेप अप करोगे तो करंट स्टेप डाउन होगा। आ रही बात समझ में? इस चीज को नोट में लिख लो, नोट में लिखना, करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नोट में लिखना,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इज इक्विवेलेंट टू, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है? वोल्टेज बढ़ाओगे करंट घटेगा, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज घटेगा, इसलिए जो करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो इक्विवेलेंट होगा वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे लॉसेस इन, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में उसमें कोई लॉस नहीं, लेकिन जो रियल ट्रांसफार्मर है उसमें लॉस होगा। लॉस के कुछ टाइप होते हैं, पहला लॉस जो है वो है कॉपर लॉस। फर्स्ट वन इज कॉपर लॉस, ठीक है? कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस लिखने का मतलब ये नहीं कि कॉपर का लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस का मतलब होता है कि जब वायर से करंट फ्लो होता है, वायर से जो भी करंट फ्लो होगा उसके चलते हीटिंग होगा, ठीक है? क्योंकि वायर जो है उसमें रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस के चलते क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, ठीक है? और हीटिंग एक तरीके का क्या है, लॉस है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब कॉपर लॉस लिखने का मतलब ये नहीं है कि कॉपर जो भी वायर है उससे डिग्रेड हो जा रहा है। यहाँ पे कॉपर लॉस का मतलब होता है जूल हीटिंग लॉस, ठीक है? तो लिखना जूल हीटिंग इन, जूल हीटिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जूल हीटिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, जूल हीटिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज कॉपर लॉस। आवाज आ रहा है ना सर? एक बार रिपीट कर दीजिए। जूल हीटिंग इन, रिपीट कर दीजिए। हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। जूल हीटिंग नहीं सुनाई दे रहा क्या? जूल हीटिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज या इज कॉल्ड कॉपर लॉस। इसको कॉपर लॉस बोलते हैं, ठीक है? इसको मिनिमाइज करने का तरीका होता है, तो लिखना इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ वायर, बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ वायर। जो भी वायर है उसका थिकनेस बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना? जूल हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, करंट तो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, ये यूज करते हैं हम किसके लिए, एसी के लिए, ठीक है? तो ये जो करंट है एक टाइम पीरियड में जो एवरेज लॉस आएगा वो सेम होगा, ठीक है? लेकिन ये आर जो है इसको हम चेंज कर सकते, आर को कैसे चेंज कर सकते हो, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने के लिए उसका थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। थिकनेस बढ़ाते ही वायर का जो कॉपर लॉस हो रहा है, जो जूल हीटिंग के चलते लॉस हो रहा है वो घट जाता है। तो जो भी वायर अगर देखे हो ट्रांसफार्मर कभी खुला हुआ, उसमें जो वायर होता है वो नॉर्मल वायर से ठीक होता है ताकि लॉसेस कम कर सके। सेकेंड लॉस लिखना,
लॉस नंबर टू, कोर लॉस, कोर लॉस, लिखना इसमें लिखना, कपलिंग इज लेस देन, कपलिंग इज लेस देन, कपलिंग इज लेस देन, इज लेस देन वन, इज लेस देन वन, इज लेस देन वन, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच लीकेज ऑफ फ्लक्स। सर और एक बार रिपीट कीजिए। कपलिंग इज लेस देन वन, कपलिंग इज लेस देन वन, ड्यू टू विच लीकेज ऑफ फ्लक्स takes place, due to which leakage of flux takes place, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि कोर का हम यूज करते हैं, कोर को यूज करके फ्लक्स को क्या करते हैं, उसका पाथ मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन वो जो मॉडिफिकेशन होता है वो 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होगा, लीक करेगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर रहा है तो जो के का वैल्यू होगा वो कभी वन के बराबर नहीं होगा, K का वैल्यू क्या है, वन के बराबर नहीं होगा। अगर K का वैल्यू वन के बराबर नहीं आ रहा है, यानी जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी, वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के पास नहीं पहुंच रहा है, कुछ हवा में या बाकी दूसरी जगह लॉस हो जा रहा है, तो ऐसे लॉस को हम कोर लॉस बोलते हैं, या फिर इसको फ्लक्स लीकेज भी बोलते हैं। ये जो कंडीशन है इसको फ्लक्स लीकेज भी बोलते हैं। अगर इसको इम्प्रूव करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इस लीकेज को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है कोर का उसको सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो ज्यादा ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उसके चलते जो लॉस होगा वो उतना कम होगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे लिखना, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव दिस लॉस, टू इम्प्रूव दिस लॉस वी यूज, to improve this loss we use soft iron core, we use soft iron core, ठीक है। तो वो जो भी कोर है बस सपोर्ट के काम में ही नहीं आता, सपोर्ट के लिए तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, वुड लगा दो तो उससे लीकेज का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको कोर लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लॉस, एडी करंट लॉस, सी जो है वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट बताए थे, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। अब देखो एडी करंट के केस में बताए थे कि जब भी एडी करंट होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो वैसे केस में अगर उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में तुम कंडक्टर रखोगे तो क्या होगा, कंडक्टर में एडी करंट आएगा, जिससे हमारा इंडक्शन काम करता है, वही सेम चीज। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, कि जब हम आयरन कोर यूज कर रहे हैं तो आयरन कोर एक कंडक्टर है, ठीक है ना। जो भी आयरन कोर है वो क्या है, कंडक्टर है, और रखा क्या हुआ है, रखा हुआ है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैक्सवेल ने बोला था कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहां पे फ्लक्स आएगा, और जो फ्लक्स वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसके चलते क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एडी करंट आता है, और एडी करंट बहुत ही ज्यादा हाई हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि एक तरीके का क्या होगा, लॉस होगा। ट्रांसफॉर्मर के केस में एडी करंट लॉस प्रोड्यूस करता है, जहां उसका यूज नहीं है वहां पे लॉस प्रोड्यूस करेगा। तो लिखना इसमें, लिखना एडी करंट में
ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, 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 एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कोर, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कोर, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कोर which leads to power loss, which leads to power loss, which leads to power loss, which leads to power loss. Full stop. This loss can be minimized, this loss can be minimized, this loss can be minimized by using, this loss can be minimized by using laminated sheets, laminated thin sheets, by using लैमिनेटेड थीन सीट. तो होता क्या है, ये जो कोर बनता है ना, ये जो भी कोर बनता है ऐसा, ये जो फ्रेम बनता है, इस फ्रेम को हम पतले पतले सीट से मिला करके ऐसे कंबाइन कर करके बनाते हैं. ऐसे 100 200 ऐसे कोर को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस नहीं रखते हैं, ऐसा हम सी शेप का सीट बनाते हैं जो कि बहुत ही पतला होता है, थिकनेस बहुत ही पतला होगा, और इन सबको अरेंज करके तब ऐसा फिगर बना, ठीक है. इसको एक के ऊपर ऐसे दोनों तरफ से रखते हैं, अरेंज करके ऐसा बना, और लैमिनेटेड रखते हैं. लैमिनेटेड कहने का मतलब दो अगर सीट है उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, यहाँ से इंसुलेट कर देते हैं, इसको ऊपर से इंसुलेट कर देंगे, तो भी बार्निश होता है उसमें डुबा देंगे, तो एक इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, उस लेयर के चलते जो दूसरा वाला इसके एडजस्टेंट में थीन सीट रखोगे उससे इसका फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा. फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो होता क्या है कि जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है, और एडी करंट अगर प्रोड्यूस कम हो जाता है तो फिर उसके चलते लॉसेस कम होंगे. एक लास्ट लॉस है वो लिख लो फिर खत्म करते हैं. लास्ट लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस ठीक है देखना. ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, continuous magnetization and demagnetization, hysteresis loss takes place, hysteresis loss takes place in core of the transformer, hysteresis loss takes place in core of the transformer. अब ये जो magnetization demagnetization है वो जो मैंने homework दिया था वो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा. कोई नहीं समझ में आएगा, एक दिन क्लास लेंगे थोड़ा सा उसमें जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है. कोई भी मटेरियल होता है अगर उसको डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करोगे कंटिन्यूसली उसके चलते लॉस होता है, और वो लॉस हमें यहाँ पे दिखता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन करंट का कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, अल्टरनेटिंग करंट है तो डायरेक्शन चेंज होगा, उसके चलते कभी मैग्नेटाइज होता है कभी डीमैग्नेटाइज होता है, और इसके यहाँ से जो लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के चलते उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मर में दिखता है.
अगेन दिस क्लैस इसमें लिखना, अगेन दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज, अगेन दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करोगे और करते ही है, सॉफ्ट आयरन कोर दो तरीके का लॉस खत्म करता है, तो इसके लिए यूज होता है दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाई सॉफ्ट आयरन कोर। चलो तो इसी के साथ जो ये तुम्हारा चैप्टर है ईएमआई ये भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लास्ट टॉपिक था खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन उसका लास्ट टॉपिक है, मतलब एसी पढ़ेंगे फिर एसी पढ़ने के बाद ऑप्टिक्स चालू हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट खत्म करेंगे फिर मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करेंगे, सॉरी ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। चलो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।